हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानना चाहते हैं कि थोड़ी देर पहले आपका पर्सन आपके बारे में क्या बातें कर रहा था, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी और वो क्या कुछ सोच रहे थे आपके बारे में, तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूवर्स, करते ही रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं इंटीग्रेशन, पोस्टपोनमेंट, टोटैलिटी एंड कंपैरिजन। और यहाँ पर जो जोडिक साइन है वह हैं कुंभ तुंतला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साइन भी हो सकते हैं। ओके, और यहाँ पर जो आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं वो हैं 4 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर। ओके, ये आपकी या फिर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, डेट ऑफ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकते हैं। सो इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर, इन नंबर्स पर नज़र बनाए रखें। ओके, तो अब बात करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स की कि थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, इस पर्सन के दिल दिमाग में किस तरह के थाट्स आ रहे थे आपको लेकर। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने इस पर्सन के बिहेवियर में नोटिस की होगी कि ये पर्सन सुबह में जो कुछ बातें बोलते हैं ना वो शाम आते आते हैं ना चेंज हो जाती हैं, यानी कि इस पर्सन के बिहेवियर में, इस पर्सन की बातों में, इस पर्सन की हर एक्टिविटी में ना आपने चेंजेस देखे होंगे, यानी कि ये पर्सन ना आपको दो भागों में बटा हुआ हमेशा ही नज़र आया होगा और आपने इस पर्सन में ना एक गर्ल और एक बॉय दोनों के ही गुण देखे होंगे, यानी कि इस पर्सन में मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज आपको नज़र आई होंगी। एक तरफ ये पर्सन बहुत ही सॉफ्ट नेचर के आपको नज़र आए होंगे तो दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा एंग्री बिहेवियर रहा होगा इस पर्सन का, यानी कि ये अपना एंगर शो करते हुए नज़र आए होंगे, तो काफ़ी गुस्सा। और आपने इस पर्सन को पूरी तरह से बदलते हुए भी देखा है, यानी कि आप इस पर्सन के इस बदलते हुए रूप से कभी कभी घबरा भी जाते हैं कि ये पर्सन एक तरफ तो इतने कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और दूसरे पर इतने डरे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपने इस पर्सन में नोटिस की होगी, एक तरफ तो ये पर्सन आपकी इतनी ज़्यादा केयर करते हैं और दूसरी ही तरफ बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं कि ये पर्सन आपको जानते भी नहीं है, इस पर्सन को आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप इस पर्सन के लिए नथिंग है। तो इस तरह के बिहेवियर से ना आप इस पर्सन के काफ़ी परेशान भी हैं और कभी कभी तो ये पर्सन इस तरह बिहेव करते हैं कि आप इस पर्सन की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर शक करने लग जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेंटली ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब है, किसी बात के बारे में लगातार सोच सोच कर इस पर्सन ने जैसे कि अपनी ना सुधबुद्धि खो दी है और ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस पर्सन को अपने जीवन में करना क्या है, तो काफ़ी डिस्टर्ब है ये पर्सन, ऐसा आप भी फील करते हैं और यही वो वजह है कि आप इस पर्सन पर इन दिनों ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है, इसलिए इस तरह का बिहेवियर ये पर्सन आपके साथ में कर रहे हैं। जब कभी भी आप इस पर्सन पर शक करते हैं ये पर्सन आपसे लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं और अगले ही पल आपको मनाने की कोशिश करते हैं कि आप उन पुरानी बातों को भूल कर फिर से इस पर्सन से अच्छा बिहेवियर स्टार्ट कर दें और ये पर्सन आप ही का है। तो ये पर्सन कभी कभी इतना प्यार शो कर रहे हैं तो कभी कभी इतना गुस्सा शो कर रहे हैं और कभी कभी आप इस पर्सन की इस बिहेवियर से चौंक जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये डर और फियर आप में आ गया है इस पर्सन की इस बिहेवियर की वजह से, क्योंकि आप देख भी सकते हैं ना यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कार्ड इंटीग्रेशन आया है और साथ में पोस्टपोनमेंट भी आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी कभी ये पर्सन काफ़ी दुखी भी होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि शायद इस पर्सन के दिल में, दिमाग में कोई और है, ये किसी और को चाहते हैं, यानी कि आपसे ये पर्सन बाद में मिले होंगे, आपसे मिलने से पहले ना इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा पर्सन रहा होगा जिसकी वजह से आज भी ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आते हैं, उसी इंसान के बारे में सोचते हैं। तो आपको ऐसा फील होता है कि कोई ना कोई तो है जो थर्ड पार्टी का काम कर रहा है आप दोनों के इस रिश्ते में, और यहाँ पर कुछ हद तक हो भी सकता है क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास पोस्टपोनमेंट के साथ साथ टोटैलिटी भी आया है। तो ये पर्सन आपको पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है, ना तो ये पर्सन आपको पूरी तरह से अपनी केयर दे पा रहे हैं और ना ही आपको कमिटमेंट दे पा रहे हैं, इसलिए भी आप इस पर्सन पर ना बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। और थोड़ी देर पहले ये पर्सन अपने फ्रेंड से इसके बारे में बातें भी कर रहे थे कि आप इस पर्सन पर बिलीव नहीं करते हैं और ये पर्सन जानते हैं इस पर्सन का स्वभाव पल पल बदलता है, पर ये पर्सन क्या करें, ये इसी स्वभाव का व्यक्ति है, पर आपको ये पर्सन
एक ऐसे रूप में दिखता है जहाँ पर आप इस पर्सन को कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर्सन की इन गलत बातों को भी इग्नोर करके इस पर्सन को अपना प्यार दे सकते हैं। इसीलिए ये पर्सन आपके साथ में है। और अगर इस वक्त आप दोनों की बात नहीं हो रही है, आपने दूरी बनाई है, इस पर्सन ने दूरी बनाई है, तो इसी के बारे में थोड़ी देर पहले ये पर्सन बात कर रहे थे कि ये पर्सन ना अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट को जब कंपेयर करते हैं ना, तो इस पर्सन को भी ऐसा महसूस होता है कि ये पर्सन काफ़ी हद तक ना चेंज हुआ है, बदल गया है। पर इस पर्सन को बदलने में वक्त और हालात का बहुत बड़ा रोल है। तो ये पर्सन बातें करते हैं अपने फ्रेंड से इसके बारे में, और आपके बारे में भी ये पर्सन बातें करते हैं कि ये पर्सन ना आपको जब दूसरे लोगों के साथ में कंपेयर करता है, दूसरे लोगों की गर्लफ्रेंड या वाइफ या फिर जो लोग भी उनके फ्रेंड हैं उनसे कंपेयर करता है ना, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन ना तो पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं और ना ही इस पर्सन से प्यार करते हैं। तो आपके प्यार पर इस पर्सन को शक है, ऐसा भी लग रहा है, इसीलिए बात बात पर आपको दूसरों से कंपेयर करते हैं ताकि आपको ना ये पर्सन ना अपने मन मुताबिक ढाल सके। आप इस पर्सन को जितने अच्छे से समझते हैं, ये पर्सन शायद आपको उतने अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को उतने अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन ना बस आपको चेंज करने की सोचता रहता है और बात बात पर कभी तो गुस्सा दिखाता है, कभी प्यार शो करता है। इस पर्सन की समझ नहीं आता कि इस पर्सन को आपने क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटीज़ ये आप में देखना चाहता है, ये अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहता है। जो एक पर्सन इस पर्सन के दिल के इतना ज़्यादा करीब है, उस पर्सन को कभी ये पर्सन अपने दिल के इतना करीब मानता है, तो कभी ये पर्सन ऐसा महसूस करता है कि आप इस पर्सन के लिए कुछ हैं ही नहीं, यानी कि ये पर्सन ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहा है और आपको दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहा है। इसलिए आप दोनों का ये रिश्ता ना ठीक से चल नहीं पा रहा है, अप एंड डाउन इस रिश्ते में आते रहते हैं। कभी कभी इस कदर सिचुएशन ख़राब हो जाती है कि बहुत बहुत लंबे समय तक ना आप दोनों की एक दूसरे से बात ही नहीं हो पाती, और ऑन एंड ऑफ सिचुएशन तो अक्सर बनी रहती है इस रिश्ते में। ये चीज़ भी नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर ना आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, एक ही सोल से बने हैं। ये चीज़ें इसलिए भी हो रही हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, और ये वजह भी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ना इस रिश्ते को सही से नहीं निभा पा रहे हैं, और आपकी लाइफ का ना आधे से ज़्यादा वक्त ना आप दोनों एक दूसरे से झगड़ने भी गुजार रहे हैं, एक दूसरे के साथ अनबन बनी रहती है आप दोनों की, ये चीज़ नज़र आ रही है। और ये सारी चीज़ें ना होने के बावजूद भी आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार नज़र आ रहा है, भले ही ये पर्सन आपको किसी के साथ में भी कंपेयर करते हों, किसी के साथ में भी आप इस पर्सन को देख रहे हो इन दिनों, यानी किसी थर्ड पार्टी के साथ घूमते फिरते आप इस पर्सन को देख रहे हैं, पर ये जो पर्सन है ना आपसे प्यार करते हैं, ये वहाँ पर कुछ टाइम ही रहेंगे, फिर एक नई जर्नी पर निकल पड़ेगा ये पर्सन। तो इस पर्सन का माइंड ही ऐसा है, और इस पर्सन के मूड जो है ना वो स्विंग होते रहते हैं। ये पर्सन अभी कुछ बोलेंगे, बाद में कुछ और बोलेंगे, तो इस पर्सन के बिहेवियर में आप चेंजेस देख पा रहे हैं। और इसी वजह से है क्योंकि इस पर्सन के माइंड में एकाग्रता नहीं है, ये किसी एक चीज़ पर ना तो फोकस बना पाते हैं और ना ही एक इंसान को अपने दिल में पूरी तरह से बसा पाते हैं। तो ये इंसान इसी तरह का व्यक्ति है, तो आप इस पर्सन में और इस पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस लाना चाहते हैं, पर ये बहुत ही मुश्किल है आपके लिए भी। और अगर आप इस रिश्ते को निभाते रहे हैं ना, तो आपकी वजह से ये रिश्ता चल रहा है, वरना इस पर्सन को समझना हर इंसान के बस की बात ही नहीं है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।